हे गाइज, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं थोड़ी अलग जगह पे हूँ, मुंबई में हूँ। मेरे दोस्त है कामरान भाई, तो वो मुंबई से है, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आए हो तो मिलते हैं। ये है कामरान भाई। तो कामरान भाई है ना फुल्ली ऑफ रोड वाले पर्सन है, एंथुजियास्ट, एंड इनकी बाइक यहाँ पे है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आई थिंक 8 से 10 मिनट का हो जाएगा, जहाँ पे हम ये बाइक के बारे में बात करेंगे कंप्लीट, क्योंकि इन्होंने क्या क्या मॉडिफाई किया है। वैसे इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है कि भाई कितना पैसा लगा, कहाँ से पार्ट्स वगैरह सोर्स करे, तो इनका जो वीडियो इन्होंने बनाया ना, आई थिंक पार्ट वन, इन्होंने एकदम से पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है हर चीज़ का, तो उसका लिंक आपको नीचे में दे दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि ये जो बाइक है ये हीरो एक्सपल्स है। वैसे अगर आप नॉर्मली दूर से देखोगे ना ऑल ऑफ सडन, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी बाइक है। ये ज़्यादा ऑफ रोड करते हैं। ये बाइक को मैंने भी चलाया थोड़ी देर के लिए। बाइक लेने का एक ही पर्पज़ था, टू लर्न हाउ टू ऑफ रोड, एंड आई एम वेरी ग्लैड जो मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि इससे बेहतर बाइक आपको सीखने के लिए मिल ही नहीं सकती। बट जो स्टॉक बाइक है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहेंगे ऑफ रोड सिचुएशन में, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है मल्टीपल पॉइंट। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों चेंज किया है, कौन सा पार्ट और किस लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ्रंट हेडलाइट पूरी चेंज्ड है। इसमें जो ओरिजिनल आती है वो एल्यूमिनियम ब्रैकेट के साथ आती है, विच इज़ वेरी हैवी, प्लस उसका जो हेडलाइट थ्रो है वो भी कुछ खास नहीं है। तो अगर आपका बाइक का रखने का पर्पज़ ये है कि आप उस पर ऑफ रोड सीखें, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ बाइक को लाइट करना। अभी अगर राइडर हैवी है जैसे कि मैं, मेरा तो वज़न कम हो ही नहीं रहा, तो कम से कम बाइक ही का वज़न कम हो जाए, क्या बोलते प्रकाश? सही है, एकदम सही है। तो बाइक का तो वज़न कम करने के लिए देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आई हैव डन टू दिस बाइक। वन, स्टार्टिंग विद द हेडलाइट, ये चाइनीज हेडलाइट है, इसकी जगह पे आप डायरेक्ट फ्लैट मोटोक्रॉस स्क्रीन भी लगा सकते हैं, बट देन यू विल बी स्टॉप बाय द कॉप्स, इसलिए हेडलाइट बेहतर है अगर आप लगाए तो। सेकेंड, वेट रिडक्शन चीज़ जो इसमें की गई है वो है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द बाइक, विच इज़ द टेल सेक्शन। नाउ ये टेल सेक्शन बहुत लोगों ने पूछा है क्यों लगाया, कब लगाया, किस लिए, इसका हमने डिटेल वीडियो किया है, ये आप लिंक में देख सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग इसके नीचे जो पूरा ताम झाम होता है यहाँ से लेके सस्पेंशन तक, ये पूरा निकाल दिया गया है। ये पतला प्लास्टिक फाइबर का पार्ट लगा हुआ है, छोटी सी टेल लाइट और नंबर प्लेट लगी हुई है। कम से कम नहीं बोल बोल कर भी पीछे 3 से 4 किलो का मैसिव वेट रिडक्शन हुआ है। तो आगे 2-2.5 किलो कम प्रकाश भाई, पीछे और 4-5 किलो वजन कम। तो जो 7-8 किलो लोगों ने मुझे कम करने बोले थे, मैंने बाइक में कम कर दिया आपने, एंड यहाँ पे भाई ने ब्रांडिंग भी बहुत की है देखो। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑफ रोडिंग के लिए, जो प्रकाश भाई आप भी पूछ रहे थे, वो है टायर। हाँ, ये टायर क्यों डाले, किस लिए डाले। ऑफ रोड सिचुएशन में आप जब मडी स्लशी कंडीशन में चलाते हैं तो आपके टायर हो जाते हैं पैक विथ कीचड़, डर्ट, स्टोन्स। तो ये जो ऑफ रोड टायर्स होते हैं, विच ऑल्सो कॉल्ड एज नॉबी टायर्स, इसमें गैप होता है विच मेक्स द टायर सेल्फ क्लीनिंग। जब टायर रोटेट होता है तो यहाँ से कचरा अपने आप बाहर उड़ जाता है। और ये जो साइड नॉब्स होते हैं, ये आप लो ट्रैक्शन एनवायरनमेंट में जब हार्ड लेफ्ट हैंडर या राइट हैंडर लेते हो, सो दीज डिग इन टू द मड एंड गिव यू इनफ कॉन्फिडेंस टू गो आउट। राइट, अगली बात आते हैं तो हम है एग्जॉस्ट पे। देखो, ओरिजिनल एग्जॉस्ट भी अच्छी चीज़ है, कंपनी ने बहुत रिसर्च करके बनाई है, बट ये चेंज करने के 2 रीज़न है। एक, वेट रिडक्शन, इसमें और ओरिजिनल वाले में जो वेट डिफरेंस है वो करीबन 1.5-2 किलो का है, सो दैट इज़ वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज़ ऑफ रोड चला रहे हो, वैसे भी रोड पे नहीं चला रहे हो, आप कहीं रोके नहीं जाने वाले, तो जो एक एक बीट पे आप अपना थ्रॉटल मूवमेंट चेंज करते हो, तो उसमें आपको एक थोड़े टाइम बाद अंदाज़ा आ जाता है कि कितने एक्सेलरेशन पे, कितने ट्रैक्शन पे आपकी बाइक आगे निकलेंगी। एग्जैक्टली, ये एक मेन रीज़न होता है जो काफ़ी सारे ऑफ रोड मशीन पर आपने देखा है कि लोग चेंज करते हैं। दूसरा रीज़न होता है परफॉर्मेंस अपग्रेड। ये एग्जॉस्ट बैंगलोर का है, मोटोविंग कंपनी का, दे मेक वन ऑफ द बेस्ट एग्जॉस्ट फॉर ऑफ रोड व्हीकल्स। उस पर उसकी ब्रांडिंग भी है, इसके प्राइसिंग वगैरह हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, बट फॉर द टाइम बीइंग एग्जॉस्ट हैज़ बीन चेंज ऑन दिस बाइक। एग्जॉस्ट एक बार देख सकते हैं यहाँ पे जो कंपनी का ब्रांडिंग वगैरह है। तो अगर आपको लेना वगैरह है तो उसके लिए मैं आपको इनके चैनल की लिंक दे दूंगा, वहाँ पे इन्होंने कंप्लीट डिटेल दिया है, तो वहाँ पे जो भी लिंक रहेगा आपको चाहिए तो वो आप इनसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये आप फुटपैक देख सकते हैं दोस्तों, ये फुटपैक KTM 390 एडवेंचर के, जो एक्सपल्स के ओरिजिनल आते हैं वो थोड़े से छोटे आते हैं, तो आप जब अपने राइडिंग बूट्स पहनते हैं जो बड़े वाले ऑफ रोड बूट्स मोटोक्रॉस में, वो स्लाइड होने का डर है। KTM वाले जो है थोड़े से ज़्यादा शार्प है, थोड़े से ज़्यादा ब्रॉड है, तो आपके शूज़ जो होते हैं, बिकॉज ऑफ रोड कंडीशन में आपको बहुत टाइम आपका मोमेंट चेंज करना होता है आगे से पीछे, तो ये ग्रिप के लिए बेहतर है। प्लस KTM क्वालिटी, नो डाउट, इट्स वेरी गुड। आगे की तरफ आते हैं तो अगेन टायर्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो टायर अगर है वो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि नॉब्स जब टायर नए होते तो काफ़ी बड़े होते हैं, टायर अगर पे लगने का चांस है। बट ये जो सेंटर ब्रैकेट है सपोर्ट, ये प्लीज़ मत निकालिएगा, दिस गिव्स द सस्पेंशन द स्टेबिलिटी इट रिक्वायर्स हियर। अब
छोटी छोटी चीज़ों पर जब हम ध्यान दें तो ये जो ओरिजिनल एक्सपल्स के साइड हैंडल बार वेट्स है वो काफ़ी बड़े होते हैं, उसको हमने रिप्लेस करके हीरो मेसरो के डाल दिए। ये गिरने पे टूटते नहीं है, वो ज़रूर टूटते हैं। हैंडल बार राइजर्स लगे हुए हैं ताकि आपको राइडिंग स्टैंडिंग पोजिशन में काफ़ी कम्फर्ट फील हो। बार पैड लगा हुआ है ताकि जब आप बाइक पे अक्रॉस द हैंडल कभी आपका गिरने वाला सिचुएशन आता है तो आपका जो चेस्ट है, आपका जो हेलमेट है वो इस पे टकराए एंड ना कि आपके हैंडल के मेटल पार्ट पे। ये एक और चीज़ है जो मैं सारे ऑफ रोड राइडर्स को सजेस्ट करना चाहूँगा, ये जो बोल्ट्स है ये थोड़े से लूज़ रखिए आपकी बाइक में। ये बोल्ट्स बता रहे हैं आप? ये बोल्ट्स जिस पे आपका क्लच और दूसरी साइड पे फ्रंट डिस्क ब्रेक लगता है। क्या होता है प्रकाश भाई, जब आप गिरते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी बाइक में टूटती है ना वो आपकी लीवर्स है। एग्जैक्टली। अब आप कहीं जंगल में फंसे हो और आपके पास क्लच ही नहीं है, बिकम्स ट्रिकी। सो डू दिस, ये अब जब गिरेगी तो ये बेंड हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा या नीचे की तरफ हो जाएगा, बट आपका लीवर नहीं टूटेगा। एग्जैक्टली। ये थोड़ा स्मार्ट चिंदी वाला मूव है, आप इसकी जगह पे यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर्स, फोल्डिंग लीवर्स भी डाल सकते हैं, बट ओरिजिनल हीरो के लीवर्स आते हैं 80-90-100 रुपए के, जो वो लीवर्स आते हैं वो महंगे आते हैं, वो भी टूटते हैं धीरे धीरे। आप मुझे बता रहे थे इसका हैंडल बार कितने का कुछ बता रहे थे, यू नो इसका हैंडल बार अंदर 300 रुपीज़। हीरो एक्सपल देने का एक मेन रीज़न ये था इसका मेंटेनेंस। अगर आप ऑफ रोड सीखना चाहते हो, जैसे मैं सीख रहा था 2 साल पहले, अभी भी सीख ही रहा हूँ और आगे 10 साल तक सीखता ही रहूँगा, तो जब मैं सीख रहा था मेरा एक ही इंटेंशन था भाई गिरना है तो भाई खर्चे कम। हाँ। तो खर्चे कम होने के लिए हीरो एक्सपल जैसी गाड़ी आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी। हैंडल बार 250-300 रुपए का हैंडल बार, आपको 600-700 रुपए के अंदर आ जाती है आपके जो, मतलब इससे चीप क्या ही होगा भाई। गियर लीवर्स की आप सेट ही ले लोगे ना, आपके क्लच लीवर और ये लीवर, तो भी 200-250 रुपए के अंदर आ जाएगा। आपके ये KTM वाले टूटते आपको 2500-3000 रुपए के नकल गार्ड मिलते हैं, इसमें आपको जोड़ी 250-300 रुपए। ये हीरो का क्या मतलब? ये हीरो का ओरिजिनल है। हाँ, तो ये वाला कंपनी का ओरिजिनल है, हीरो की तरफ से का ओरिजिनल। तो क्या सब कुछ तो नहीं चेंज करेंगे सब? हाँ, तो ओरिजिनल हाँ, छोड़ें। नहीं, ये तो यू नीड दिस ऑन ऑफ रोड, राइट? यू नीड दिस ऑन ऑफ। देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ नकल गार्ड्स, वन व्हिच प्रोटेक्ट यू जब आप फ्रंट इंपैक्ट में रहते हो, उसमें यहाँ पे जो है मेटल ब्रैकेट आता है। ओके। अगर आप उस टाइप की राइडिंग करते हो जहाँ आप ट्रेल्स में बहुत फास्ट और हार्ड राइडिंग करते हो, तो आपको यहाँ पे मेटल फ्रेम वाला ही लेना चाहिए। बागबस्टर्स और दूसरी कंपनी के आते हैं, दो आर स्लाइटली एक्सपेंसिव बट वर्थ इट। हीरो के जो ओरिजिनल है, व्हेन यू आर राइडिंग हार्ड इन ट्रेल सेक्शन बट यू आर केयरफुल इनफ कि आप किसी झाड़ वाड़ में नहीं घुसने वाले, तो जो सिर्फ कांटे और पत्ते और जो ब्रांचेज आपके हाथ पे लगने वाले हैं ये उससे आपको बचा लेगा। करेक्ट। ये मुड़ेगा फिर जगह पे चला जाएगा। हाँ। लेकिन अगर फ्रंट इंपैक्ट होगा तो ये भी टूटेगा, आपकी उंगलियां भी लेके जाएगा। सो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ राइडर, गो फॉर समथिंग विद मेटल वाला। हां जी। एंड देन सामने आपने कुछ बता रहे थे सस्पेंशन के बारे में, दैट यू नो यू ही डिड नॉट चेंज द सस्पेंशन, ये ओरिजिनल है। नॉट चेंज द सस्पेंशन बट जैसे कि खुरापात पूरी की है, लेकिन आपने जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, एक बार मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा खाता पीता राइडर हूं, तो मेरे वजन बैठने पे ये 220 mm ग्राउंड क्लियरेंस वाली बाइक नीचे दब के 180-170 पे आ जाती है। तो पीछे का तो हमने शॉकअप हार्डन कर दिया, फ्रंट शॉकअप के लिए क्योंकि हमारे पास कोई एडजस्टेबिलिटी है नहीं, हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल इंक्रीज़ किया है जिसकी वजह से फ्रंट सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड हो गया है। सो व्हेन आई सिट ऑन द बाइक डजंट सिंक डाउन मच एंड इट स्टिल गिव्स मी इनफ ग्राउंड क्लियरेंस डाउन अंडर। ऑल्सो जब हम जंप करके लैंड करते बॉटम आउट ना हो जाए उसके लिए भी ये बहुत काम आता है। अब एक चीज़ रह गई थी, वो है सीट। ओरिजिनल एक्सपल्स की सीट जो आती है वो यहाँ से गोल घूम के नीचे आपको एक थोड़ा सा कट मिलता है जहाँ पे राइडर कंफर्टेबली बैठ पाए, आप उसका पैर पहुँच पाए। ये बाइक आप देख सकते हैं थोड़ी सी टॉल हो गई है, इसका सीट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज़ अराउंड 870-880 mm प्लस, लेकिन बिकॉज इट हैज़ बीन मेड इन सच अ वे कि ये ऊपर से नैरो हो, तो मेरी हाइट 5'7" के करीब है और मैं भी इस पर कम्फर्टेबली पैर अपने नीचे पहुँचा सकता हूँ। द रीज़न वाई इट्स फ्लैटेंड आउट इज़ क्योंकि जब आप ऑफ रोड राइडिंग, मोटोक्रॉस राइडिंग सीख रहे हो मेरी तरह, तो उस टाइम पे आपको जो भी आपका ट्रेनर है, दोस्त है, आपका सीनियर है, टचवुड हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे मदद की है सब सीखने में, तो एक चीज़ कॉमन थी सब में, दे यूज़ टू फ्लक्चुएट देयर वेट। कभी आगे वेट दे रहे हैं कोई कंडीशन में, कभी पीछे वेट दे रहे हैं डिफरेंट कंडीशन में। यू आर मूविंग योर बॉडी कम्प्लीटली ऑन द अदर साइड जस्ट टू मेक श्योर कि आपको बाइक को ट्रैक्शन मिले। इसके लिए आपको कंप्लीट मूवमेंट के लिए सीट पे फ्लेक्सिबिलिटी होना, मूवमेंट होने के लिए ज़रूरत, इसीलिए ये फ्लैट सीट लगाई गई है। प्रकाश भाई जो हमारे यहाँ है उन्होंने ये बाइक चलाई और पहले बाइक देखते साथ बोले अब मेरा पैर कैसे पहुँचेगा ये तो बहुत ऊँची है, बट एज सुन एज ही सैट ऑन द बाइक ही रियलाइज के तो बहुत नैरो है, छोटी सी हल्की फुल्की बाइक है, प्लस वो भाई उतरे थे उससे। हाँ, उससे उतरा था मैं साइडेंट से
वो है छोटा पॉकेट रॉकेट पॉकेट रॉकेट है लेकिन भाई गाड़ी गाड़ी है भाई बैठे इस पे उसको लगा ये हीरो की साइकिल चला रहे ये भाई आप देखो ये कितनी बड़ी दिखती है पहले जब इनसे मिला ना मैं गाड़ी से उतरा ये गाड़ी को पहचाना नहीं कौन सी है मैं मेरे दिमाग से निकल गया बिकॉज पहले हमने एक बार डिस्कस किया था पहली बात आपको देखो पता ही नहीं चलेगा दूसरी बात इसको आप नॉर्मली ऐसे देखोगे ना तो बहुत हाइट है बिकॉज 220 तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है एंड देन दी वी हैव इंजन एंड ऑल्सो इसका सीट हाइट वैसा कितना रहता है कंपनी की तरफ से आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट बट आई थिंक इट शुड बी अराउंड 800 800 ना तो अब भी 855 860 रहेगा आराम से शुड बी मोर देन दैट 870 880 रहेगा बिकॉज इट हैज बीन फ्लैटेंड आउट एक प्लस फ्रंट सस्पेंशन भी हैवी बैठ के दिखाओ ना एक बार वो अलग फील रहेगा देखो आपकी हाइट 5.7 बोले ना 5.7 है मैंने जूते थोड़े हील वाले पहने हैं फिलहाल हां हां मेरा पैर नीचे ऑलमोस्ट पहुंच रहा ये देखो भाई आराम से दूर से आपको दिखा देता हूं कि ऐसा ऐसे कुछ दिखती है बाइक एंड चारों तरफ से दिखा देता हूं ये है बिकॉज सीट है ना बहुत नैरो है आप अगर ऐसे पैर लगा के भी रखोगे ना यहाँ पे तो भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि भाई मेरे को सीट बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटर पार्ट है ना ये नैरो होना चाहिए ये हाईवे राइडिंग और सिटी राइडिंग और टूरिंग के लिए थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल है बट जब आप इसको ऑफ रोड ले जाते हो वहाँ इसका असली मजा आएगा सो टोटल कॉस्ट बाइक का नहीं सिर्फ मॉडिफिकेशन का बाइक का अगर छोड़ दो तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ बिटवीन 30-35,000 रुपीस जो टोटल एक्सपेंस हुआ सब कुछ मिला के सब कुछ इसमें आप प्रकाश भाई मेन आइटम तो भूल गए क्या था वो स्प्रॉकेट हाँ सेंस स्प्रॉकेट ओरिजिनल स्प्रॉकेट जो आता है वो है 38 टूथ का हमने लगाया इसमें KTM ड्यूक 390 जो ओल्ड जेन आता था उसका 42 टूथ का स्प्रॉकेट अब ये जो स्प्रॉकेट है ये डायरेक्ट फिट है सिर्फ आपको जो है चेन में एक लिंक बढ़वानी है एग्जैक्टली तो इससे क्या होगा आपकी ओरिजिनलिटी भी रहेगी आपको ना कुछ काटना है ना कुछ करना है ना होल बोल्ट करने हैं कुछ नहीं करना आपको 390 पुरानी वाली लो इधर लगा दो टॉप स्पीड थोड़ी सी पिट जाएगी जो पहले 120 जाती थी रो रो के अब 100 रो रो के अब 105 के करीब जाएगी वो भी बट क्विकली जाएगी बट जो 0-70-80 है वो बहुत क्विक बहुत नहीं अभी मैं अभी चला रहा था जेंट्स प्रॉकेट का साइज बड़ा होने से आपको इनिशियल जो टॉर्क है वो पिकअप है ना वो ज़्यादा मिल जाएगा हालांकि टॉप स्पीड है ना थोड़ी मार खा जाएगी अगर आपको हाईवे स्पीड चाहिए तो आप आगे का स्प्रॉकेट बड़ा कर लो टॉप स्पीड ज़्यादा चाहिए तो टॉप स्पीड ज़्यादा चाहिए अगर आपको ग्रंट चाहिए और इनिशियल पिकअप और पावर पंच चाहिए मिली विली मारने के शौक रखते हो सीखना है ऑफ रोड सीखना है तो आई वुड सजेस्ट पीछे का स्प्रॉकेट आगे का एक टूथ से बढ़ाएंगे तो पीछे का 3-4 टूथ से बढ़ाएंगे तो इक्विवेलेंट होगा तो आगे का स्टॉक रखे सिर्फ पीछे का 38 का 42 कर देंगे चलो भी सॉकेट है अब अगर आपको और कुछ जानना है ना तो यहाँ पे देखिए इनका इंस्टाग्राम आईडी है कैमी हाईलैंडर्स _ हाईलैंडर्स इस पे आप इनको पिंग कर सकते हैं ज़्यादा तो परेशान मत कीजिए बट इन्होंने वीडियो बनाया है एक